स्टूडेंट्स, बाल मंदिर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पदार्थ की भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ के तीन अवस्थाएं बताई थी, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था के बारे में बात की थी हमने। आज का जो अपना वीडियो है वो वीडियो हम ये कह रहे हैं कि पदार्थ की चौथी अवस्था जो है, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा अवस्था, प्लाज्मा अवस्था के बारे में बात करेंगे। और पांचवी अवस्था कौन सी है इसकी, वो थी बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो अब देखिए आप क्या होता है ना, जनरली हम जो बात करते हैं वो ये कहते हैं कि पदार्थ जो होता है, पदार्थ मुख्य रूप से तीन अवस्थाओं में है, जैसे ठोस, द्रव और तीसरी अवस्था कौन सी होती है इसकी, गैस अवस्था होती है ना। अब एक ठोस पदार्थ को द्रव में चेंज करना, क्या करते हैं इसको, गर्म करते हैं। द्रव को गैस में परिवर्तित करते हैं तो भी क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं, है ना। तो गर्म करते समय हम कह रहे हैं पदार्थ की अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ये तो हमने तीन अवस्थाओं के बारे में बताया, ठीक है। लेकिन जो ये गैस अवस्था होती है, इस गैस अवस्था को जब आगे और उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, अब अपना पॉइंट आता है, ध्यान दीजिएगा इसको बहुत गौर से, कि जब हम पदार्थ की गैस अवस्था जो होती है, इस गैस अवस्था को और ज्यादा उच्च ताप पर जब हम इसे गर्म करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो गर्म करने पर गैस के अंदर पाए जाने वाले जो परमाणु होते हैं, गैस अवस्था के अंदर पाए जाने वाले जो परमाणु होते हैं, इन परमाणुओं के द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है। इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, त्यागा जाता है, ठीक है। अब जब परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, आवेश में परिवर्तित हो रहा है, किसके अंदर होगा, जैसे ये हमारे पास परमाणु है, ठीक है, और परमाणु के अंदर हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन जैसे हैं। अब इसने ये इलेक्ट्रॉन को त्यागा तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, प्लस के रूप में, ठीक है। अब परमाणु खुद जो होता है वो तो बदल रहा है, किसके अंदर, धनावेश के अंदर परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। और परमाणु के द्वारा त्यागे भी क्या जाते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। तो क्या होगा कि धीरे धीरे जो ये गैस अवस्था होती है, इसमें गैस के अंदर पाए जाने वाले परमाणु के द्वारा जब ये आवेश इस प्रकार से त्यागा जाता है, तो ये आवेश धीरे धीरे मिलके और एक बड़ा सा बादल नुमा संरचना बताते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं, आवेश पाए जाते हैं, आवेश युक्त बादल बनते हैं, आवेश युक्त क्या बनते हैं, बादल बनते हैं। और ये आवेश युक्त बादल जो होता है, ये पदार्थ की चौथी अवस्था कहलाती है, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा अवस्था, ठीक है। और इसके बारे में अगर जानकारी देखनी हो तो कहते हैं ना कि मुख्य रूप से जो प्लाज्मा अवस्था है पदार्थ की, अब ये बहुत ज्यादा उच्चतम तापमान है, ऐसा नहीं कि कम ताप के ऊपर ही हो रहा, बहुत हाई लेवल के टेम्परेचर के ऊपर इसको गर्म किया जाता है, ठीक है। और प्लाज्मा अवस्था अगर आप देखते हैं तो ये सबसे ज्यादा किसके अंदर होती है, सूर्य के अंदर पाई जाती है। सूर्य के अंदर कहते हैं ना, गैस, गर्म गैस के बड़े बड़े गुब्बार, बड़े बड़े जो होते हैं, है ना, लावे के रूप में हमें दिखाई देते हैं, तो ये प्लाज्मा अवस्था होती है पदार्थ की, जो बहुत ज्यादा उच्च ताप के ऊपर संपन्न होती है, बनती है, ठीक है। और जब हम इस प्लाज्मा अवस्था को हमारे दैनिक जीवन के अंदर अगर अपन देखते हैं, तो कई प्रकार के ऐसे, जैसे आपने नाम सुना होगा, तो ये जो एग्जाम्पल लेता हूं मैं इसका, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल के अंदर जैसे ये आता है नियॉन लैम्प, कौन सा, नियॉन लैम्प एक, ठीक है। और दूसरा हम इसके अंदर जब लेते हैं, तो नियॉन लैम्प के अलावा आपने सोडियम लैम्प के बारे में पढ़ा होगा, सोडियम लैम्प, ठीक है, या मरकरी लैम्प, तो इन सब के अंदर क्या होता है, नियॉन, सोडियम, मरकरी, इनको उच्च ताप पर क्या होते हैं, गर्म किया जाता है, तब इनके द्वारा ये आवेश निकलते हैं। तो ये जो होते हैं ना, ये भी किसके उदाहरण है, प्लाज्मा अवस्था के उदाहरण है। और एक और इसका सबसे मेन एग्जाम्पल जो दिया गया है, कि जब बारिश का मौसम होता है,
बारिश के मौसम में या बारिश में हवा के साथ बिजली का चमकना, हवा के साथ किसका बिजली का चमकना, ये भी कौन सी अवस्था का उदाहरण है? प्लाज्मा अवस्था का उदाहरण बताया गया है। तो प्लाज्मा अवस्था पदार्थ की जो होती है ना, वो चौथी अवस्था है। कहते हैं कि ये मतलब मानव द्वारा निर्मित नहीं है, ये प्राकृतिक अवस्था होती है। स्टार ये जो अपन बोलते हैं, ठीक है, कि भाई जो नासा के द्वारा इसके बारे में कई विस्तृत जानकारियां हासिल की गई और उनके आधार पर, उनके तथ्यों के आधार पर इस प्लाज्मा अवस्था के बारे में डिटेल में बताया गया। तो आपको इसके अंदर एग्जाम्पल मुख्य रूप से कौन से ध्यान में रखने के, भाई प्लाज्मा अवस्था का उदाहरण। और ये आप देख रहे हो यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है 1920 के अंदर इरविन लैगमुइर नामक के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले प्लाज्मा अवस्था के बारे में बताया था या इनकी खोज की थी। ठीक है, तो वापस सुन लीजिएगा कि जब हम गैस को या पदार्थ की जो गैस अवस्था होती है उस गैस अवस्था को उच्च ताप पर गर्म करते हैं, तो उच्च ताप पर गर्म करने पर उसके गैस के अंदर पाए जाने वाले जो परमाणु हैं वह इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं जिससे उसमें आवेश बनता है, और ये आवेश एक साथ एकत्रित होकर एक आवेश युक्त बादल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और यही आवेश युक्त बादल जो होते हैं वो किस रूप में कहलाते हैं, पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था के बारे में ये जानकारी देता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके जी, अब देखिए इसमें अब पदार्थ की पांचवी अवस्था के बारे में हम बात करते हैं जिसका नाम है पीईसी। नाम क्या दिया हुआ है? बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से ये जानी जाती है। बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से जानी जाती है पदार्थ की अवस्था। अब ये नाम कैसे पड़ा है, इस पदार्थ की अवस्था का नाम आप इससे देख सकते हो सीधा, बॉस एक शब्द दिया गया है, ठीक है, और पीछे दिया है आइंस्टीन, है ना। तो ये दो साइंटिस्ट ने मिलकर इस अवस्था की खोज की थी जिसमें सबसे पहले थे भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र बॉस। क्या नाम था इनका? सत्येंद्र बॉस के नाम से जाने जाते हैं, सत्येंद्र नाथ बॉस जो थे इनके द्वारा। और आइंस्टीन है तो आप इनका तो नाम सब अच्छी तरीके से जानते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पदार्थ की पांचवी अवस्था के बारे में बताया था। अब ये जो अवस्था है, ध्यान दीजिएगा, पदार्थ की पांचवी अवस्था प्राकृतिक नहीं है, ये मानव द्वारा निर्मित है, यानी ये एक कृत्रिम अवस्था बताई गई है। कौन सी कृत्रिम अवस्था बताई गई है? पदार्थ की पांचवी अवस्था जो बताई, ठीक है। अब आप इसमें कुछ भी ले सकते हो, पानी का भी बता सकते हो कि पानी जो होता है, पानी को भी हम एक न्यूनतम ताप पर, जब एक इसमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर दिया गया है वो टेम्परेचर आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें ये कहा गया है कि कोई भी गैस है, जैसे एक गैस है, कोई एक गैस ली हमने और गैस के अंदर, ठीक है ना, 100,000 कणों में से 1 कण की गति रुक जाती है, 1 कण की गति को रोका जाए, गति को रोका जाए, तब ये अवस्था बनती है। कौन सी? बॉस आइंस्टीन। तो इसको रोकने के लिए इसमें टेम्परेचर, सुपर कोल्ड टेम्परेचर जिसे नाम दिया गया है, जिसे परम शून्य तापमान, ये नाम ध्यान रखिएगा, परम शून्य ताप के नाम से जाना जाता है। टेम्परेचर याद रखना है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तापमान है। इस ताप के ऊपर देखो पदार्थ है ना, अब पदार्थ को हम अगर अपन द्रव के रूप में, यहां मैंने आपको इस गैस का उदाहरण बताया, अगर अपन द्रव की बात करते हैं तो पानी है, पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या हो जाता है, जमना शुरू होता है, ठीक है। अब अगर हम उसी पानी को
इस टेम्परेचर के ऊपर ले जाए, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम ले जाए, तो पदार्थ की जो अवस्था बनेगी वो पदार्थ की अवस्था कौन सी कहलाएगी? बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से जानी जाती। तो ये तो आपको क्या है ना, इसमें जनरली ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि हमारे जो सिलेबस के अंदर है वो पदार्थ की मुख्य तीनों अवस्थाओं के बारे में बताया गया था। ये मैंने आपको जनरली थोड़ा जनरल नॉलेज के हिसाब से ध्यान में रखना है कि ये क्या अवस्थाएं इसके अंदर होती है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब ये तो था पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण, ठीक है। अब हम इसमें जनरली लेते हैं, देखिए ये है पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण, इसके बारे में अपन थोड़ा सा बात करते हैं। क्या लेते हैं अपन? पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण, ठीक है। अब पदार्थ के रासायनिक वर्गीकरण के अंदर हमने आपको कहा था, पहले ही बताया कि पदार्थ जो होता है, इस पदार्थ को दो भागों के अंदर बांटा गया है। एक कहलाता है शुद्ध पदार्थ, ठीक है, और दूसरा होता है इसके अंदर क्या है, मिक्सचर के नाम से जाना जाता है। तो शुद्ध पदार्थ जो होता है, फिर इस शुद्ध पदार्थ को भी आगे याद हो तो आपको दो भागों में बांटा था, एक था तत्व और एक क्या नाम होता है, यौगिक के नाम से जाना जाता है। और मिश्रण है तो मिश्रण को भी अपन ने आगे दो भागों में बांटा था, एक था समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण के नाम से जाने जाते हैं, ये है ना। तो ये एक सामान्य पदार्थ जो होता है, उस सामान्य पदार्थ का जब अपन रासायनिक वर्गीकरण लेते हैं तो इस रासायनिक वर्गीकरण के अंदर मुख्य रूप से ये बताते हैं। अब आप जानते हो तत्व की परिभाषा, शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, बताओ बताइए, मतलब एक ऐसा पदार्थ जिसका संगठन समान हो उसे हम शुद्ध पदार्थ के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जिसका संगठन क्या हो, समान हो, एक जैसा हो, निश्चित हो, और हम ये कह सकते हैं कि उसे आगे और विभाजित नहीं किया जा सकता हो, तो वो शुद्ध पदार्थ कहलाता है। लेकिन इस शुद्ध पदार्थ को आगे दो भागों में बांटा गया है, एक आता है एलिमेंट, क्या कहते हैं, तत्व, ये है कंपाउंड यौगिक, ठीक है। अब देखो तत्व जो होते हैं ना, इनको भी आगे और डिवाइड किया गया है, एक होती है धातु, एक होती है उपधातु और एक होती है अधातु, तीन मेटल, ठीक है, एलॉय, ये सॉरी नॉन मेटल के रूप में ये होती है, ठीक है। ये तो आ गई तत्वों के अंदर। यौगिक की बात करते हैं तो यौगिक में एक होते हैं अकार्बनिक यौगिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, दूसरे होते हैं कार्बनिक यौगिक, ठीक है ना, अकार्बनिक कार्बनिक, और एक होते हैं कार्ब धात्विक यौगिक, ठीक है। अब देखो क्या होता है, आवर्त सारणी के अंदर जो आपने 10th क्लास के अंदर आवर्त सारणी पढ़ी है, तो वो आवर्त सारणी में कहते हैं ना, हम तत्वों से, तत्वों के ऊपर दी गई, परमाणु के ऊपर दी गई है, तो उसके अंदर आपने देखा है आवर्त सारणी को इन तीन भागों के अंदर बांटा गया, धातु, उपधातु और अधातु के रूप में, ठीक है। अब यौगिक है तो यौगिक के अंदर एक होता है अकार्बनिक यौगिक, एक होते हैं कार्बनिक यौगिक और एक होते हैं अकार्ब धात्विक यौगिक। कार्बनिक और अकार्बनिक तो आप जानते हो, अकार्बनिक का मतलब जिसमें जरूरी नहीं है कार्बन की उपस्थिति, ठीक है, और कार्बनिक जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं। एक दिया गया है कार्ब धात्विक यौगिक, यानी ये जो होता है ना,
ये होता है जिसके अंदर एक तो मुख्य रूप से कार्बन, और कार्बन मुख्य रूप से साथ में किससे जुड़ा हुआ, धातु से अगर जुड़ा हुआ रहता है तो इससे बनने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, कार्ब धात्विक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण, तो पदार्थ के रासायनिक वर्गीकरण के अंदर देखो इसको यूं डिवाइड करो, पदार्थ जो स्थान घेरती है जिसका खुद का द्रव्यमान होता है, शुद्ध पदार्थ, पदार्थ का एक रूप है जिसका संगठन निश्चित है और आगे विभाजित नहीं कर सकते, शुद्ध पदार्थ में तत्व, तो तत्व का मतलब क्या होगा, तत्व पदार्थ का वह शुद्धतम रूप जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, वो क्या कहते हैं, या ये कह सकते हो शुद्ध पदार्थ का वह शुद्धतम रूप जिसे आगे विभाजित नहीं कर सकते, तत्व। यौगिक, जब हम परमाणु या समूह जो होते हैं जिनको एक निश्चित अनुपात के अंदर मिलाते हैं तो यौगिक बनते हैं, यौगिक के बारे में ये भी अपन डिटेल में लेंगे फिर आगे। मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं, ठीक है। समांगी, एक जैसा हो और भी समांगी मतलब भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। तो ये पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है, इसको हम और आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरा डिटेल से लेंगे। तो अभी आपका काम ये है कि इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और फिर आगे अपन इसको लेंगे। तो बीच में जो हमने ये अवस्था ली थी तो उसको भी अगर आप नोट करोगे तो उस वीडियो को वहां तक रोक के और फिर आगे उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको काम कर सकते हो, ठीक है। तो बाल मंदिर बाड़मेर के इस यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।